थम नहीं रहा तहसील विकास नगर अंतर्गत भूमाफियाओं का तांडव। रोजाना सैकड़ों बीघा कृषि भूमि एवं अन्य विभागीय सरकारी भूमियों पर लगातार अवैध कब्जे की जा रही अवैध प्लॉटिंग। ताजा मामला है ग्राम पंचायत नवाबगढ़ के पुल नंबर 1 शक्ति नहर से लगती सैकड़ों बीघा कृषि भूमि का। बीती रात भूमाफिया ने अपनी कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के इरादे से शक्ति नहर की विभागीय भूमि पर जेसीबी मशीन चलाकर एवं सरकारी ढंग से मिट्टी काटकर अवैध भरान कर UGVNL की भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग की तैयारियां की जा रही है। बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस जगह पर मिट्टी भरकर अवैध रास्ता बनाया गया उक्त भूमि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की है एवं उक्त स्थल पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाने के कार्य की प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय पहले कई सालों की मेहनत के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने अपनी उक्त भूमियों पर हुए अवैध कब्जे को हटाया था, परंतु फिर से भूमाफिया ने एक अवैध शहर बसाने की योजना बना ली। सूत्रों की माने तो उक्त रास्ते को पूर्व में विवादित खान के बगीचे की अवैध प्लॉटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि उक्त प्लॉटिंग में रात दिन आम के हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान जिम्मेदार विभागों के संरक्षण में बदस्तूर जारी है। आखिर कहां सोया है तहसील प्रशासन? विकास नगर एवं मसूरी दून विकास प्राधिकरण जो कि क्षेत्र में चल रहे ऐसे अवैध कार्यों पर चुप्पी साधे बैठा, बिना मानचित्र स्वीकृत करे एवं बिना रेरा से अप्रूव्ड कराए उक्त भूमि पर सीज करने की कार्रवाई आखिर क्यों अमल में नहीं लाई जा रही है? वहीं रात दिन कट रहे हरे आम के बगीचे पर उद्यान विभाग एवन विभाग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? सूत्रों की माने तो उक्त अवैध कार्य को रूलिंग पार्टी के सफेदपोश नेता का संरक्षण प्राप्त है। खैर वजह चाहे जो भी हो, यदि ऐसा ही चलता रहा वह दिन दूर नहीं जब क्षेत्र के लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस जाएंगे।